वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। द नेक्स्ट टॉपिक इन सेशन नंबर 3, इंडेंटिंग पैराग्राफ्स। लास्ट जो टॉपिक अपना था वो था क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है इंडेंटिंग पैराग्राफ। इट मींस कि अपन पैराग्राफ के अंदर इंडेंटेशन है वो सेट कर सकते हैं। एंड फर्स्ट इज व्हाट इज इंडेंट। तो देखिए, व्हेन रेफरिंग टू टेक्स्ट, इंडेंट और इंडेंटेशन इज द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पेस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ ए पैराग्राफ। देखिए, पैराग्राफ का लेफ्ट और राइट मार्जिन उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, वो भी किसके, पैराग्राफ के, तो अपन क्या यूज करते हैं, इंडेंटेशन का यूज करते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट विच इंडेंट द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। फर्स्ट लाइन इंडेंट ये कहेगा कि आपका जो फर्स्ट लाइन का इंडेंट है वो इंक्रीज होगा, और फ्रॉम द स्पेसिफाइड इंडेंटेशन फ्रॉम द मार्जिन। तो देखिए, इंडेंटेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको एक बार आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो देखिए, अपन एक अभी इंडेंटेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, अभी आपको ये मार्जिन एरिया शो हो रहा है। देखिए, आपको ये कंप्लीट मार्जिन एरिया इधर भी है, ऊपर भी है, राइट के अंदर भी है, और यहाँ पे आपके बॉटम में भी है। तो ये जो आपके पेज के अराउंड द पेज जो आपका ब्लैंक स्पेस है उसे अपन क्या कहते हैं, मार्जिन एरिया कहते हैं। अब अपन को किसी पर्टिकुलर किसी भी डॉक्यूमेंट का मार्जिन एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, या अपन कह सकते हैं कि मार्जिन एरिया के अलावा एक्स्ट्रा स्पेस अपन को यहाँ पे छोड़ना हो, तो अपन क्या यूज करते हैं, इंडेंटेशन का यूज करते हैं। तो कहने का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जो सपोज दैट कि ये आपका पैराग्राफ है, अब देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इधर से हो रहा है। अब इसको मैं इंक्रीज करना चाहूँ, इस एरिया को इंक्रीज करना चाहूँ लेफ्ट और राइट साइड से, तो उसे अपन क्या कहेंगे, इंडेंटेशन कहेंगे। अब करेंगे कैसे उस पर बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है, देखिए इंडेंट दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है ये इंडेंटेशन, आपको साइड बार के ऊपर दे रखा है इंडेंटेशन। पैराग्राफ के अंदर साइड बार के ऊपर क्या दे रखा है, आपको इंडेंटेशन दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोबारा। यहाँ आप साइड बार में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन प्रॉपर्टीज़ है उसको सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पैराग्राफ के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इंडेंट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इंक्रीज इंडेंट, अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं। तो देखिए, अब मैंने जैसे क्लिक करा तो यहाँ पर जो एरिया है वो एक्स्ट्रा स्पेस हो गया। इसके अलावा अगर आप और इंक्रीज करना चाहते हो तो देखिए ये एरिया और इंक्रीज हो जाता है। तो आप पैराग्राफ का क्या कर सकते हैं, मार्जिन एरिया वो इंक्रीज कर सकते हैं। अगर सपोज दैट कि मेरे को ये डिक्रीज करना हो तो मैं अगेन डिक्रीज कर सकता हूँ, अभी ये नॉर्मल पोजिशन के अंदर है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है, देखिए मैं इंक्रीज करता हूँ इसको, यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मार्जिन एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, किसका, पैराग्राफ का। इसको अगेन कम कर देता हूँ वापस। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए एक आपके आता है, वो आता है फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट। तो देखिए, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट क्या कहता है, यहाँ से मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, अगर सपोज दैट देखिए यहाँ पे दे रखा है वो फर्स्ट लाइन दे रखा है, फर्स्ट लाइन इंडेंट है, जैसे मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट को इंक्रीज करता हूँ तो फर्स्ट आपके पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है उसका इंडेंट ऑनली क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ जो सेलेक्ट कर रखे हैं, दो पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखे हैं, दोनों का फर्स्ट लाइन है वो क्या हो रहा है, उसका इंडेंटेशन इंक्रीज हो रहा है। बाकी आपकी लाइन है वो किस में है, सेम मैनर के अंदर है। जो फर्स्ट लाइन आपकी है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पेस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए अपन और इंक्रीज कर लेते हैं, अभी मैंने ओनली इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रखा है तो इसकी फर्स्ट लाइन है वो मैंने इंक्रीज कर दी है। तो ये आपका क्या होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। सपोज दैट कि अपन चाहते हैं हैंगिंग इंडेंट,
इसका भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ हैंगिंग एलिमेंट का यहाँ पे मीनिंग क्या है। देखिए ये आपके सामने आपका पैराग्राफ है, अपन यहाँ पे बात करते हैं हैंगिंग एलिमेंट। तो देखिए हैंगिंग एलिमेंट क्या कहता है, जूमिंग अपन थोड़ा सा इसका कम कर देते हैं। अभी देखिए अपन इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है, वो दे रखा है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या कहता है वो देखिए, आपने सेलेक्ट किया हैंगिंग इंडेंट और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे। ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया, एक मिनट। हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया अभी और फिर मैं जाता हूँ हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। इसको अपन नॉर्मल पोजीशन में लेके आते हैं एक बार। अभी अपन इंक्रीज करते हैं एक बार इसको, इसकी पोजीशन को इंक्रीज करते हैं और फिर अभी देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट आ रहा है आपके, जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी क्या आ रही है, उसका मार्जिन एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। अभी अपन क्या करते हैं हैंगिंग इंडेंट पर करते हैं। जैसे मैंने हैंगिंग इंडेंट पर क्लिक करा तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट लाइन है वो तो उसी पोजीशन पे है, बाकी पैराग्राफ को जो भी लाइंस है उसमें क्या आ रहा है, इंडेंटेशन आ रहा है। तो ये आपका क्या हैंगिंग इंडेंट। तो कहने का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि अराउंड द पेज आपके सामने ये जो आपका अराउंड द पेज जो भी वाइट स्पेस दिख रहा है, ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, वो आपका मार्जिन एरिया है। अब उस मार्जिन एरिया में अपन इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो उसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, आपका इंडेंटेशन कहते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि मार्जिन एरिया के अलावा आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो वो आपका क्या होता है, इंडेंटेशन होता है। किसके लिए, पैराग्राफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, नेक्स्ट आपका आता है वो आता है अलाइनमेंट। एक बार मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि देखिए ये जो आपने ऑप्शन कहाँ से सेलेक्ट किया वो आपको ध्यान में रखना है कि या आप सीधा कहाँ गए, अपन ने सबसे पहले साइड बार ऑन किया और यहाँ पे अपन किस पे क्लिक करा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करा। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको पैराग्राफ जो टैब सॉरी ऑप्शन मिलेगा और पैराग्राफ के अंदर जो ग्रुप है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इंडेंट मिलेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें इंडेंटेशन की तो देखिए ये भी ऑप्शन अपन को मिलता है इंडेंटेशन, स्पेसिंग आ गया इसके अंदर। देखिए ये रहा, जैसे अपन फॉर्मेट में जाते हैं स्पेसिंग आ रहा है, स्पेसिंग के अंदर आपको यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपन को एक तो फॉर्मेट से मिल गया, फॉर्मेट स्पेसिंग और यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, या फिर अपन को यहाँ से साइड बार से ये ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन अपना आता है वो आता है अलाइनमेंट। अब देखिए अलाइनमेंट यहाँ पर क्या होता है, अपन ये कहते हैं कि अलाइनमेंट इज ए फीचर ऑफ राइटर यूज टू डिस्क्राइब हाउ टेक्स्ट इज प्लेस ऑन द स्क्रीन, कि कैसे आपके टेक्स्ट हैं वो स्क्रीन के ऊपर प्लेस होते हैं, तो उससे अपन क्या कहते हैं अलाइनमेंट। या फिर अपन कह सकते हैं ए वे टू राइट द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है वो राइट करने का जो वे है उसे अपन क्या कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब अलाइनमेंट का मीनिंग यहाँ पे अपन ने कहा कि जैसे अपन जो अपने टेक्स्ट लिखते हैं उसका जो तरीका है वो अपना क्या, अलाइनमेंट है। द अलाइनमेंट ऑप्शन आर अवेलेबल ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। अलाइनमेंट ऑप्शन अपन को कहाँ मिलेगा, स्टैंडर्ड टूल बार पर मिलेगा। प्रॉपर्टीज फ्रॉम द साइड बार, और साइड बार में अपन को प्रॉपर्टीज से मिलेगा, ठीक है। या फिर अपन इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या है अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ, टेक्स्ट अलाइनमेंट प्राइमरीली प्लेस द कर्सर और अलाइन द टेक्स्ट विद द डिफरेंट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। देर आर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट फीचर्स इंक्लूडिंग, यहाँ पे आपको फोर टाइप ऑफ अलाइनमेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है राइट अलाइनमेंट। तो देखिए राइट अलाइनमेंट क्या कहता है,
दिस स्टार्ट ईच न्यू लाइन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द राइट मोस्ट मार्जिन ऑफ द पेज। इसकी हर एक लाइन है वो राइट से पर्टिकुलर मार्जिन एरिया जहाँ से आपका जो मार्जिन है जो कंप्लीट होता है वहाँ से आपकी क्या होगी शुरू होगी, वो क्या कहते हैं राइट अलाइनमेंट। और इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल आर। देखिए सपोज दैट कि अभी आप देख पा रहे हैं इसके अंदर भी ये क्या है आपका, जैसे ये अलाइनमेंट के ऊपर काम कर रहा है। जैसे अभी इसका अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है, आप कैसे पता चले कि लेफ्ट साइड से आपकी कंप्लीट रो है वो इक्वल है। अगर ये रो है वो राइट साइड से इक्वल होती है देन वो क्या होगा, राइट अलाइनमेंट। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट क्या कहता है, एज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन द एमएस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सॉरी मोस्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कि जो लेफ्ट अलाइनमेंट है वो एक डिफॉल्ट अलाइनमेंट है किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। इट स्टार्ट ईच लाइन ऑन द लेफ्ट मोस्ट मार्जिन, लेफ्ट मोस्ट मार्जिन से सारी की सारी लाइन से वो इक्वल रहेगी। आप देख पा रहे हैं इधर कि सारी की सारी लाइन से वो लेफ्ट से क्या है यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, और इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल है। वैसे अगर लाइन से वो अगर राइट से इक्वल होती है देन वो क्या होता है, राइट अलाइनमेंट। अगर हर एक लाइन सेंटर में हो, द पोजिशन एंड स्टार्ट ईच न्यू लाइन टेक्स्ट ब्लॉक इन द सेंटर और मिडिल मार्जिन ऑन द पेज, कि हर एक लाइन क्या हो मिडिल के अंदर हो देन वो क्या होगा, सेंटर अलाइनमेंट। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। और लास्ट आता है वो आता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, दिस लाइन टेक्स द राइट एंड लेफ्ट मार्जिन एंड ट्राई टू फिल एज मच एम्प्टी स्पेस एज पॉसिबल। कि जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या कहता है, दोनों तरफ से बराबर हो और अगर थोड़ा सा स्पेस हो तो ये क्या करे, इसको एडजस्ट करे। और इसका शॉर्टकट क्या है, देखिए ये क्या कहता है, इट इनेबल स्ट्रेट मार्जिन ऑन द बोथ ऑफ द पेज हॉरिजॉन्टल एज। तो हॉरिजॉन्टली क्या है कि आपका जो भी पेज है या अपन पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं उसमें दोनों तरफ से लाइंस क्या हो, इक्वल हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, जो जस्टिफाइड अलाइनमेंट कहेंगे। तो देखिए कैसे होता है ये, अपन इसका प्रैक्टिकल करते हैं। मैं इसका जूमिंग है थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसको अपन एक बार यहाँ से उठा देता हूँ। तो देखिए अब देखिए इसको अपन एक बड़ा पैराग्राफ है वो बना लेते हैं जिससे अपन को ये प्रॉपरली है शो। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने इसका जो इंडेंटेशन है वो मेरे को एक बार सही करना पड़ेगा। इंडेंटेशन अपन कम कर देते हैं एक बार इसका। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या पैराग्राफ है। अभी अपन क्या करेंगे, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हर एक लाइन है वो आपके लेफ्ट साइड से क्या है, इक्वल है। हर एक लाइन है वो लेफ्ट से इक्वल है, इट मींस ये किस पे काम कर रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट पे काम कर रहा है। आप कैसे पता चले, तो देखिए यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा है अलाइनमेंट के स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर। बाय डिफॉल्ट आपको ये ऑप्शन है इस पर क्लिक होया हुआ मिल रहा है, इट मीन्स ये क्या है, डार्क है। इट मीन्स ये कौन सा अलाइनमेंट है, देखिए ये लेफ्ट अलाइन लेफ्ट। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल है। बाय डिफॉल्ट आपका जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेगा आपको, ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, जो आपके साइड बार के ऊपर भी मिलेगा, दिख रहा है आपको यहाँ पर भी ये ऑप्शन मिल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या, लेफ्ट। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो देखिए अगर मैं राइट करता हूँ तो मैंने राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करा, जैसे मैंने राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करा तो हर एक लाइन है वो राइट मार्जिन से क्या, इक्वल है। तो ये आपका क्या हो गया, राइट अलाइनमेंट हो गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी ये राइट अलाइनमेंट को शो कर रहा है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट मीन्स हर एक लाइन से वो दोनों तरफ से इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है अपन को सेंटर अलाइनमेंट का, इसका शॉर्टकट क्या, कंट्रोल ई। इस पर मैंने जैसे क्लिक करता हूँ मैं तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से लाइन, अगर इधर स्पेस इतना है तो लास्ट में भी स्पेस इतना ही मिलेगा, तो दोनों तरफ से इक्वल है। लास्ट लाइन को अगर आप देखते हो तो देखिए स्पेस, इधर से स्पेस इतना है, इधर स्पेस इतना है, तो ये क्या हो गया आपका, सेंटर अलाइनमेंट। और अगर मैं क्लिक करता हूँ किस पे, जस्टिफाई अलाइनमेंट मीन्स कंट्रोल जे, तो आपकी बोथ साइड से आपका क्या होगा, जो लाइन्स है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये फोर टाइप्स के अलाइनमेंट अपन को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना है, लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल एल, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल आर, सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल ई और जस्टिफाई अलाइनमेंट कंट्रोल जे। ओके, ये फोर टाइप्स का अलाइनमेंट है। ये ऑप्शन अपन को कहाँ मिलता है, तो स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर मिलता है, एक आपके साइड बार पर मिलता है। ठीक है, और एक अपन ने जैसे यहाँ पर देखा
यहाँ पे साइड बार और यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार दे रखा है। इसके अलावा अपन को ये ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट, तो यहाँ पे भी अपन को ये ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट यहाँ पे दे रखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कुछ फीचर के साथ। थैंक यू।